हेलो डियर स्टूडेंट्स आई एम योर टीचर किरण टुडे इज एथ ऑफ जुलाई 2020 एंड यू आर वाचिंग ए टू जेड लर्निंग आई एम गोइंग टू टीच यू इकोनॉमिक्स ऑफ स्टैंडर्ड टेन चैप्टर वन सो लेट्स स्टार्ट आज जो हम लोग बात करने वाले हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के बारे में ऑलरेडी मैंने पहले uh, वीडियो में आपको बता दिया है इनकम एंड अदर गोल्स ठीक है इनकम एंड अदर गोल्स और यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इनकम एंड अदर क्राइटेरिया दोनों में थोड़ा सा अंतर है अब वो आप पहले वीडियो को भी देख सकते हो इस डिफ्रेंस को समझने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेरीज होते हैं बोर्ड में ठीक है तो मैं यहाँ बता रही हूँ आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैं इनकम और अदर क्राइटेरिया की चर्चा कर रही हूँ तो इनकम का मतलब जो है हम लोग यहाँ समझने वाले हैं कि पर कैपिटा इनकम ठीक है और सबसे पहले यहाँ कुछ स्टेट्स हमने यहाँ दिखाए हैं कि इसमें कौन कौन से वो स्टेट हैं तो हो सकता है बुक्स अगर आपके पास अलग है तो आपको अलग डेटा भी मिलेगा लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये टू थाउजेंड थर्टीन और फोर्टीन का डेटा है Uh, जो कि uh, यहाँ पर मैंने तीन स्टेट्स के एग्जाम्पल लिए हैं बुक्स के हिसाब से ही लिए हैं और हाँ ये बुक जो मुझे दिया था एकता ने दिया था तो थैंक्स एकता क्योंकि मेरे पास बुक नहीं था तो मैंने उसी से लिया है और टाइप किया है तो स्टार्ट करती हूँ uh, यहाँ पे आप देख रहे हो कि पर कैपिटल इनकम जो है इस स्टेट में वो क्या है तो uh, तीन स्टेट हमने लिया है आप देख रहे हो कि एक महाराष्ट्र है एक केरला है और एक बिहार है हालांकि किसी किसी बुक में अलग भी स्टेट को दिखाया गया है तो इसके लिए आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है वो सेम चीज़ है क्योंकि हर साल का डेटा वेरी करता है कई बार बताया है क्लासरूम में भी एनी अब हम लोग चले आगे तो आप देख रहे हो कि महाराष्ट्र में आप यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि उतना स्पेस यहाँ नहीं था आपके मोबाइल के स्क्रीन पे तो पी सी आई दैट मीन पर कैपिटा इनकम ठीक है और ये मैंने डेटा जो लिया है आप देख रहे हो महाराष्ट्र में आप क्या देख रहे हो कि एक आदमी एक साल में और ये एनुअल है ठीक है एक साल में एक आदमी वन लैख सेवेंटीन थाउजेंड नाइनटीन वन रुपीज़ जो है अर्न करता है और यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने आर एस डाल दिया डेटा को वैसे ही देखना और केरल में आपने क्या देखा कि वन लैख थ्री एट हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज अर्न करते हैं और बिहार में तो थर्टी वन थाउजेंड वन हंड्रेड नाइन्टी नाइन और ये एक दिन का एक महीने का नहीं ये पूरे एक साल का एक पर्सन एक साल में कितना अर्न करता है वो डेटा यहाँ शो कर रहे हैं ठीक है अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ देखने वाली है कि आप देख रहे हो यहाँ डेटा में सीधे पता चल रहा है कि महाराष्ट्र जो है वो बहुत डेवलप है यानी अगर हम सिर्फ इनकम को देखते हैं तो सिंपली महाराष्ट्र जो है अच्छी पे दिख रहा है इनकम के साथ दैट मीन कि केवल अगर इनकम को लेकर देखते हैं तो महाराष्ट्र जो है आ, हमारे राज्यों में बहुत डेवलप है यानी जो तीन एग्जाम्पल हमने लिया है महाराष्ट्र काफ़ी डेवलप है वैसे भी डेवलप है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये एक फाइनेंशियल कैपिटल है यहाँ तो आ, वैसे भी ज़्यादा है लेकिन आगे देखते हैं इस डेटा से तो आपने एक रिजल्ट निकाला कि भाई महाराष्ट्र जो है वो बेटर कंडीशन पे है लेकिन इसको आगे भी कंपेयर करना होगा तब मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या बता रही हूँ तो अदर क्राइटेरिया जो आप देखते हो ऊपर आपने स्टेट में देखा उन्हीं स्टेट्स में इन्हीं तीनों स्टेट की चर्चा जो हम लोग कर रहे हैं महाराष्ट्र केरला एंड बिहार तो यहाँ भी हम वही देखेंगे बट अब हमें क्या देखना है अदर क्राइटेरिया स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बोला है दिस इज अदर क्राइटेरिया तो यहाँ पर जो अदर क्राइटेरिया है वो क्या है यानी इनकम तो देख लिया ये एक्चुअली हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा स्टेट ज़्यादा डेवलप है तो कैसे डिसाइड करेंगे तो इनकम पहले चेक किया यानी बताया ये जा रहा है कि केवल एक चीज से आप डेवलप नहीं कर सकते या फिर आ, किसी स्टेट के डेवलपमेंट के बारे में पता सही नहीं चल सकता केवल उसके इनकम को लेकर तो अदर क्राइटेरिया में क्या क्या है आप एक बार देखो महाराष्ट्र है यहाँ पर महाराष्ट्र केरला एंड बिहार थोड़ा सा मुझे इसे ये करना पड़ा है तो आप देखो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे पास चार कॉलम है वैसे आप समझना स्टेट है इनफैक्ट uh, मोटालिटी है लिटरेसी है और नेट अटेंड करके छोड़ा है दैट इज़ नेट अटेंडेंस रेशियो ठीक है ये है नेट अटेंडेंस रेशियो और आप देख रहे हो कि पर हंड्रेड परसेंट यहाँ लिखा है मैंने और इन्फेंट मोटेलिटी जो है यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने लिखा है पर थाउजेंड यानी एक हज़ार में ठीक है लिटरेसी तो परसेंट में होता है अब मैं पहले आपको ये वाला कॉलम आईएमआर बता दूँ इन्फेंट मोटेलिटी रेट बता दूँ बता चुकी हूँ और फिर बता रही हूँ इन्फेंट मोटेलिटी रेट मीन्स इन्फेंट मींस वो बच्चा जिसकी उम्र एक साल तक की हो दैट मीन्स जीरो से वन ईयर तक के बच्चे को हम इन्फेंट कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स कि एक साल का बच्चा एक हज़ार में यानी एक हज़ार जन्मे हुए एक साल के बच्चे में कितने बच्चे की मौत एक साल के अंदर हो जाती है ठीक है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि उसका डेटा यहाँ दिया गया है फिर लिटरेसी रेट वहाँ पर कितनी लिटरेसी है और नेट अटेंडेंस रेशियो एक बार आप समझ लो कि एक साल में Uh, जो एडमिशन uh, होता है स्कूल में और ये डेटा जो है फ़ोर्टीन टू फिफ्टीन इयर्स के uh, बच्चों तक का ये डेटा आपके पास दिया जाता है तो उनका परसेंटेज दिखाया गया है कि जितने लोगों का एडमिशन स्कूल में होता है उनमें कितने बच्चे एक्चुअली यानी सौ बच्चे अगर हैं इस एज ग्रुप के दैट मीन चौदह से पंद्रह साल फोर्टीन टू फिफ्टीन ईयर्स ओल्ड जो बच्चे हैं जिनकी उम्र है फोर्टीन टू फिफ्टीन तो उनका अटेंडेंस के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं तो वैसे सौ बच्चे जिनकी उम्र फोर्टीन टू फिफ्टीन है तो उनका उनमें से कितने बच्चों का अटेंडेंस महाराष्ट्र में हो जाता है तो सिक्सटी फोर वैसे करके समझेंगे फिर से अब स्टार्ट से शुरू कर लेते हैं महाराष्ट्र में आप देखिए इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी वन ईयर के बच्चे की मौत कितनी हो जाती है तो चौबीस बच्चे यानी एक बच्चों का जन्म होता है उसमें से चौबीस बच्चे मर जाते हैं आप फिर देखते हो कि लिटरेसी रेट महाराष्ट्र में कितनी है तो एटी टू और नेट अटेंडेंस रेशियो कितना है दैट मीन पर हंड्रेड बच्चे में कितने बच्चे स्कूल जाते हैं चौदह से पंद्रह साल तक के बच्चे तो मात्र सिक्सटी फोर ओनली सिक्सटी फोर अब नेक्स्ट डेटा आप देखने वाले हो फिर से मैं एक बार रिमाइंड करवाऊँ कि एक्चुअली हम लोग बात कर रहे हैं कि इनकम के अलावा जो है अदर क्राइटेरिया क्या क्या है तो अदर में ये चार लेवल आप सॉरी ये तीन लेवल मैं आपको दिखा रही हूँ तो केरल में इन्फेंट मोटेलिटी क्या है ओनली ट्वेल्व यानी हज़ार बच्चे जो जन्मते हैं इन्फेंट uh, जो होते हैं उनमें से सिर्फ बारह की डेथ होती है और उनका जो लिटरेसी uh, रेट है वो नाइन्टी फोर परसेंट है बहुत ज़्यादा है परसेंटेज ऑलवेज हम हंड्रेड में निकालते हैं तो सौ में से नाइन्टी फोर जो है वहाँ के लोग वो लिटरेट हैं आ, ये पुराना डेटा है अब तो हंड्रेड परसेंट का डेटा वहाँ कहता है लेकिन बुक्स में जो अवेलेबल डेटा है मैं वही फॉलो कर रही हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हो केरल आ, का जो नेट अटेंडेंस रेशियो है कितना है सेवेंटी एट है आप देखो कंपेयर करते चलना और यहीं पर मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगी कि महाराष्ट्र में सिक्सटी फोर बच्चे जो हैं फोर्टीन टू फिफ्टीन इयर्स के वो स्कूल में एडमिशन लेते हैं जबकि केरल में फोर्टीन टू फिफ्टीन इयर्स के बच्चे सेवेंटी एट बच्चे एडमिशन ले लेते हैं और ये तो आप देखो ध्यान से देखो सब में आपने बढ़ा हुआ देखा है और यहाँ घट रहा है आपका इन्फेंट मोटेलिटी ये ध्यान देने वाली बात है इन्फेंट मोटेलिटी का मतलब अब यहाँ देखो कि यहाँ पर हज़ार में चौबीस बच्चे मर गए थे और यहाँ पर यानी डेथ हो गई थी और यहाँ पर ट्वेल्व बच्चे की डेथ हुई है दैट मीन्स कि यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत मिली हुई हैं बहुत ज़्यादा लोग लिटरेट भी हैं जिस वजह से वो बहुत ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का और बिहार की चर्चा कर लें तो हम देखें बिहार की चर्चा में कि आ, बिहार की चर्चा में देखने वाली बात है कि बिहार में आपने नोटिस किया कि आ, यहाँ पर इन्फेंट मोटेलिटी रेट कितना है तो इन्फेंट मोटेलिटी रेट जो है फोर्टी टू है यानी हजार बच्चों का जन्म होता है कितने आ, डेथ को हासिल करते हैं फोर्टी टू बच्चे तो आप देख लो ये बढ़ गया है ठीक है बहुत बढ़ गया यानी महाराष्ट्र से भी बहुत बढ़ा हुआ है और केरला से भी है और यहाँ पर आप देखो लिटरेसी रेट इनका सिक्सटी टू परसेंट है यानी हंड्रेड में ओनली सिक्सटी टू कि जो है वो लिटरेट हैं और नेट अटेंडेंस रेशियो आप देखो जो फोर्टीन टू फिफ्टीन इयर्स के बच्चों को देखा गया हंड्रेड में फोर्टीन टू फिफ्टीन इयर्स के जो बच्चे हैं उनमें से सिर्फ थर्टी फाइव बच्चे ही एडमिशन लेते हैं स्कूल में ये डेटा जो है बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको क्या क्लियर किया अदर क्राइटेरिया अदर क्राइटेरिया सिंपली आपको बता रहा है कि आप कैसे एडमिशन ले रहे हैं स्कूल में या फिर कैसे जो है इन्फेंट की डेथ हो रही है या फिर लिटरेसी रेट क्या है अब रिजल्ट क्या निकला यानी ऊपर के डेटा को और नीचे के डेटा को देखेंगे तो केरला जो है मोस्ट डेवलप स्टेट कंसीडर किया जाएगा इवन यहाँ के हिसाब से मैं आपको इसको एक बार सर्कल में कर दूँ कि आप जब इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलना चाहिए ये कम है ठीक है और बाकी सब उसका इंक्रीज हो गया है देखना ये है कि आप इनकम ऊपर अगर आप देखते हो तो उसमें आपको दिखाया कि महाराष्ट्र का जो आ, आ, पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा है आ, केरल से लेकिन बाकी चीज़ में महाराष्ट्र आगे नहीं है ना तो इन्फेंट मोटालिटी वो बचा पा रहा है यानी थाउजेंड में ट्वेंटी फोर बच्चे की डेथ हो जा रही है लिटरेसी रेट ठीक है बिहार से अच्छा है लेकिन केरल से अच्छा नहीं है और जो फिफ्टीन फोर्टीन टू फिफ्टीन ईयर्स के बच्चे हैं उनका एडमिशन भी इससे कम हो रहा है तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि इसी वजह से कंसीडर करते हैं कि केरल जो है मोस्ट डेवलप्ड है ठीक है अब मैं एक इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेरी यहाँ दे रही हूँ जो बहुत ज़रूरी है एक्चुअली ये समझाने वाली बात थी ऊपर जो मैंने आपको बताया वो समझाना ज़रूरी था इसलिए मैंने उसको लिया अब मैं जो ऊपर आपको टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ उससे रिलेटेड ओनली ये वन क्वेश्चन है और उसके बाद कुछ सब टॉपिक्स हैं तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि केरल जो है वो आप देख लो यहाँ पर कि केरल के बारे में हम बात करें और केरल जो है के, केरल हैज़ अ बेटर रैंकिंग देन महाराष्ट्र वाई केरल को हम बेटर रैंकिंग देते हैं महाराष्ट्र से क्यों ये मैंने खुद ही पुट ऑन किया है कि आप एक बार चेक करो क्यों दे रहे हैं क्यों कह रहे हैं कि केरल जो है बहुत बढ़िया है क्योंकि केरल की इन वजहों से हम कह रहे हैं कि केरल बहुत बढ़िया है जैसे केरल के बेटर रैंकिंग देने की सबसे पहली वजह क्या है क्योंकि यहाँ इन्फेंट मोटेलिटी रेट में रिडक्शन है आपने देखा कि महाराष्ट्र में जो है ट्वेंटी फोर इन्फेंट की डेथ हो जाती है और जबकि इसमें केरल में ओनली ट्वेल्व की डेथ होती है अगर मैं आपको फिर से ऊपर ले जाऊँ तो यहाँ पर आपको दिखाऊँ ये देख रहे हो देखा आपने ओनली ट्वेल्व की डेथ होती है और यहाँ पर ट्वेंटी फोर की डेथ हो जाती है तो यही चीज़ यहाँ पर आपको नोटिस करनी है आगे मैं यहाँ को यहाँ फिर से आपको दिखा देती हूँ कि आप कैसे इसको चेक कर रहे हो तो इनफैक्ट मोटालिटी रेट में रिडक्शन है दैट मीन महाराष्ट्र से बहुत कम वहाँ मोटालिटी रेट है आ, एक साल तक के बच्चे की डेथ रेट कम है उसके बाद लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है आपने नोटिस किया कि नाइन्टी फोर परसेंट जो है उनका लिटरेसी रेट है और आ, साथ साथ नेट अटेंडेंस रेशियो भी उनका बहुत बढ़िया है दैट मीन कि बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट सेवेंटी एट बच्चे जो हैं हंड्रेड में जाते हैं फोर्टीन टू फिफ्टीन ईयर्स ओल्ड बच्चे जो कि स्कूल में एडमिशन लेते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है तो ये ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं अब तक जो बताने का मेरा मोटिव ये था या इस टॉपिक का मोटिव ये है कि हम कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा स्टेट ज़्यादा डेवलप है और ये चैप्टर ही है डेवलपमेंट का तो हम उस स्टेट को ज़्यादा डेवलप बोलेंगे जहाँ पर एक आदमी अर्निंग बहुत अच्छा कर लेता है एक आदमी की वहाँ पे लोगों की इन्फेंट मोटेलिटी रेट कम है वहाँ का नेट अटेंडेंस रेशियो बहुत बढ़िया है वहाँ पे जो है लिटरेसी रेट बहुत हाई है तब जाके हम किसी भी स्टेट को प्रूव करते हैं बताते हैं कि वो ज़्यादा डेवलप है दैट मीन सारे क्राइटेरिया केरल जो है वो ज़्यादा डेवलप कंसिडर किया जाएगा ओके okay, अभी जो है मैं इम्पोर्टेंट टर्म की तरफ आके आपके पास जा रही हूँ और ये इम्पोर्टेंट टर्म से मैंने अभी तक कोई बड़े क्वेश्चन तो नहीं देखे लेकिन वन मार्क्स के क्वेश्चन ही देखे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और ये आपको आने ही चाहिए मैं पढ़ा चुकी हूँ आई के बारे में दैट इज़ इन्फेंट फंड रेट ये क्या बताता है कि ये नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ वन ईयर मैं पहले अभी वहाँ पर आपको थोड़ा बता चुकी हूँ ठीक है और इसके बाद आपको मैं सेकंड ले जाऊँ एक डेफिनेशन की तरफ जो कि है लिटरेसी रेट आपने पहले भी पढ़ा है स्टैंडर्ड में आपको ज्योग्राफी में बताया जा चुका है इसमें आपको मैं बता रही हूँ ये क्या है तो लिटरेसी रेट है क्या मीन्स लिटरेट पॉपुलेशन इन द एज ऑफ सेवन एंड एव ठीक है इट इज़ एन एबिलिटी टू रीड राइट यहाँ मैं कॉमा डालना भूल गई हूँ आप डाल लेना और ये मेरी टाइपिंग मिस्टेक है एंड यूज़ एट लीस्ट वन लैंग्वेज यानी हम उस आदमी को लिटरेट कहते हैं अगर उस बच्चे की उम्र सेवन या उससे ज़्यादा हो और उसको कम से कम एक भाषा कोई भी एक लैंग्वेज वो रीड कर सकता हो प्रॉपरली राइट कर सकता हो और यूज़ कर सकता हो एक बात यहाँ मैं बताना चाहूँगी ये जो मैंने आपको दिया ये बुक की चीज़ ही मैंने दी है बट अभी अगर आप देखने जाओगे नेट पे तो इसको थोड़ा बढ़ाया गया है जैसे मैंने यहाँ सेवन ईयर्स बोला है तो कई जगह ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ भी बढ़ा दिया गया है एज को दैट इज़ फोर्टीन टू फिफ्टीन ईयर्स तो मैं उस तरफ नहीं जा रही हूँ क्योंकि एक्चुअली हम लोग बोर्ड एग्जाम को कंसिडर कर रहे हैं और ये डेफिनेटली uh, मैं सिर्फ बुक को ही कंसिडर करके बता रही हूँ किसी अदर सोर्स से नहीं बता रही हूँ ठीक है अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि आ, यहाँ पे आप नेट अटेंडेंस रेशियो को देख रहे हो जो कि मैंने अभी वहाँ बताया आपको कॉलम में और ये जो कॉलम में है चिल्ड्रन जो है वो फोर्टीन टू फिफ्टीन इयर्स के जो अटेंड करते हैं स्कूल एज पर परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप ओके तो ये सेम चीज़ है मैं यहाँ सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये जो आ, तीन चीज मैंने आपको अभी बताया ना Uh, वो तो सिंपली आप ये समझ लो ये तीन चीज़ दैट मीन uh, फिर से मैं आपको यहाँ दिखाऊँ कि आई एम आर लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो अब तक मैंने वन मार्क्स में ही देखा है तो आप इसको uh, वैसे ही समझ के चलो और इसके बाद जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कई बार पढ़ा चुकी हूँ आपको ज्योग्राफी में भी और इकोनॉमिक्स में भी छोटे स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया है एथ स्टैंडर्ड में भी आपको बताया है और मैं वही यहाँ लिख भी रही हूँ ठीक है डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट मीन अगर सिंपली मैं समझाऊँ टिकाऊ डेवलपमेंट दैट मीन ऐसी कोई डेवलपमेंट लाइए जो टिक कर चले अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो यहाँ मैंने दे दिया है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट यानी ऐसा डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट uh, को डैमेज किए बिना uh, आए वो डेवलपमेंट कहलाता है दैट uh, मीन uh, इसके लिए जब भी मैंने पढ़ाया है क्लासरूम में तो आपको मैंने बताया है कि आपके पास जो सोर्स बहुत ज़्यादा हैं जैसे कोल पेट्रोलियम ये अभी हैं इसको अभी आगे के लिए हमें बचा के रखना चाहिए और राइट right ना कुछ ऑल्टरनेट सोर्स का इस्तेमाल कर लेना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि ये कोल पेट्रोलियम ये सब uh, बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं तो ये मिलियन ऑफ ईयर्स जो हैं ये कैसे आप रिड्यूस करते हो आ, या तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके प्रोसेस को हम जल्दी नहीं कर पाएंगे तो बेटर है कि इनके इस्तेमाल को हम सोच समझ कर करें जोग्राफ़ी में आप पढ़ोगे प्लैंड आ, जो है इन्वेस्टमेंट कीजिए इसके बारे में आपको आ, आ, पता चलेगा आ, रिसोर्स प्लानिंग के नाम से आपको बताऊंगी दैट सेट आज के लिए इतना ही और मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है व्यूज़ बहुत आ रहे हैं वीडियोस पे दैट मीन कि आप देख रहे हो और आर्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कुछ बच्चे ही पढ़ रहे हैं बहुत बार देख रहे हैं शायद क्योंकि जो सब्सक्राइबर है वो उससे पता चल जाता है कि आप लोग एक्चुअली सारे बच्चे नहीं देख रहे कुछ बच्चे हैं जो बार बार पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं और मैंने चेक किया है कि इसके आर्ट्स भी बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं एनी वेज आपको पढ़ना है मैं तो सिर्फ पढ़ा रही हूँ और पढ़ाई करना आपको ज़्यादा ज़रूरी है थैंक यू कमेंट कर सकते हो अगर किसी टॉपिक पे बात करनी है कोई और टॉपिक वैसे हाँ ये ज़रूरी है बताना कि आज मैंने आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के लिए आगे जाऊँगी सो थैंक यू फॉर वॉचिंग